जय श्री राम फ्रेंड्स, आसान रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज लौकी बनेगी। ऐसा सुनते ही बच्चे और बड़े दोनों लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज इस तरीके से अगर आप लौकी बनाएंगे तो कोई भी इसको खाने से मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लौकी की तासीर ठंडी होती है। इसे खाने से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा, लौकी में फाइबर के साथ साथ विटामिन बी, सी, ए, के, ई, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फिर चलिए इस गुणों से भरपूर सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने एक लौकी ले ली है। इसको हम अच्छे से पील कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लौकी को पील कर लिया है। अब हम इसे तीन पार्ट में कट करके धो लेंगे। ये देखिए लौकी धुल चुकी है। अब हम इस सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी कद्दूकस हो चुकी है। अब हम लौकी को एक बर्तन में डाल करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। तब तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चा इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमने लौकी को हल्का सा निचोड़ करके एक थाली में शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लौकी में 4 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रश किया हुआ प्याज डाल देंगे और कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हाथ से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही हम पूरे बेसन में सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले हमने लौकी में मिक्स कर दिए हैं। ये एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए, हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको आसान लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जो मिक्स की हुई लौकी है, जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे, उसमें से थोड़े थोड़े सब पार्ट ले करके उसको गोल गोल कर देंगे। और गोल करने के बाद हम उसको उंगलियों की सहायता से चपटा कर देंगे और एक एक करके हम तेल में डाल देंगे। तेल में डालते ही फ्रेंड्स, हम इसे टच नहीं करेंगे। पहले जो हमारे कोफ्ते हैं उनका एक सिरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इन्हें धीरे से पलट पलट कर देंगे और दूसरी साइड को भी हल्का सा गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। इनको गोल्डन ब्राउन पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक थाली में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है और तेल को गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसमें जो क्रश किया हुआ हमारा प्याज था वो हमने डाल दिया है और अदरक लहसुन को क्रश करके कढ़ाई में डाल दिया है। इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज गोल्डन हो गया है। अब यहाँ पर हम टमाटर की प्योरी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, टमाटर की प्योरी पकने के बाद हमने एक कटोरी में पाउडर मसाले निकाल के रख लिए थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक था। तो ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से टमाटर के साथ भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले अच्छे से भून करके रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मसाले ने कढ़ाई में किनारे किनारे देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसन का जो पानी था जिसमें हमने कोफ्ते बनाए थे वो हमने घोल करके इसमें डाल दिया है और अब यहाँ पर जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उस अकॉर्डिंग हम पानी डाल देंगे और पानी डाल करके ढक देंगे और एक बॉइल्ड आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मसाले में बॉइल्ड आ गया है।
अब यहाँ पर जो कोफ्ते हमने तल कर रखे थे वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स, कोफ्तों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही सॉफ्ट हो जाएं को बस इसको 1-2 मिनट ही पकाना होगा, उसके बाद ये बन करके रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। इस सब्ज़ी को आप या कोई भी खाने से मना कर ही नहीं सकता। आप ना मानिए तो इसे बना के देखिए फ्रेंड्स, और ऐसी सब्ज़ी है जो कम तेल मसाले में भी बन जाएगी, आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वो लौकी खा रहे हैं कि कद्दू खा रहे हैं, कुछ उन्हें पता नहीं चलेगा। और ये एकदम मुँह में घुल जाने वाली सब्ज़ी है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट। आप इसे दाल चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खाइए। ग्रेवी वाली सब्जी है तो दाल चावल के साथ नहीं, बट आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थाली लगा दी है कोफ्ते के साथ, चावल, रोटी, सैलेड, नींबू, मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, रंगत देखिए सब्जी की कितनी खूबसूरत लग रही है। आप बच्चों को मत बताइए कि लौकी बन रही है, आप उनको बना के दे दीजिए, फिर देखिए कैसे उंगलियां चाट चाट के खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस गुड़ों से भरपूर सब्जी को आसान तरीके से बनाइए, खाइए और आनंद लीजिए।